हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के है। आइए देखते हैं एक्सेस में क्या है। यहाँ पर सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2021 को ओपन करते हैं। तो ये है एक्सेस का 2021, क्लिक करके इसे ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये ओपन किया हमने, हम यहाँ पे ब्लैंक डेटाबेस पे जाएंगे और यहाँ से नया डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे, जो कि बड़ा कॉमन सा थिंक है, हर बार हम लोग यही करते हैं। यहाँ से जाएंगे व्यू पर और व्यू पर जाकर के एक नई टेबल बनाते हैं जिसका नाम है एम्प्लॉयटी। क्या नाम है? एम्प्लॉय टी। और इससे भी पहले हम बनाते हैं प्रोडक्ट की टेबल। तो ये लिख लिया प्रोडक्ट टी और प्रोडक्ट टी लिख करके एंटर किया। अब यहाँ पर आएगा प्रोडक्ट आईडी। क्या आएगा? प्रोडक्ट आईडी आएगा। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं प्रोडक्ट आईडी। तो ये लिखा हमने प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। अब सपोज करिए आप कि जो प्रोडक्ट आईडी है वो 1, 2, 3 से चालू हो सकती है या किसी नंबर से भी चालू हो सकती है। तो फिलहाल यहाँ पर डेटा टाइप देखिए, ये बहुत सारे डेटा टाइप आपको दिख रहे हैं। फिलहाल मैंने डेटा टाइप यहाँ पे ऑटो नंबर ही रखा है, आप चाहे तो कुछ और भी रख सकते हैं। यहाँ पर कर दिया नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर प्रोडक्ट, यानी यहाँ पर प्रोडक्ट का नेम आएगा, ठीक है। और यहाँ पर शॉर्ट टेक्स्ट रख दिया इसको भी। और यहाँ पर आएगा प्रोडक्ट की प्राइस। तो यहाँ पर प्राइस का डेटा टाइप जो है यहाँ पर हम रख देंगे करेंसी। तो यहाँ पर देखिए ये करेंसी हो गया है। फिर यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे क्वांटिटी हो जाएगा, और क्वांटिटी का डेटा टाइप जो है यहाँ से नंबर रख करके और इसको हटा करके हम डबल कर लेते हैं। तो ये डबल कर दिया है। फिर यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर टोटल प्राइस आएगा। क्या आएगा? टोटल प्राइस, इस तरीके से। और टोटल प्राइस कैसे कैलकुलेट होगा? तो यहाँ पर मिलता है आपको कैलकुलेटेड डेटा टाइप, तो इसका इस्तेमाल करके टोटल प्राइस कैलकुलेट हो जाएगा, जो कि बड़ा सिंपल है। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट बनाइए और प्राइस को PRICE प्राइस हो गया मल्टीप्लाई बाई QTY कर देते हैं, यानी क्वांटिटी कर देते हैं, ठीक है। और ब्रैकेट को क्लोज करके ओके करते हैं, और ओके करने के बाद व्यू पे क्लिक कर देंगे। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये इस तरीके से नजर आएगा। अब ये जब इस तरीके से नजर आएगा तो नेम ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे देना है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी एक प्रोडक्ट का नाम, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कीबोर्ड दे दिया, ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। और कीबोर्ड की प्राइस है 200 रुपये और यहाँ पे क्वांटिटी है 50, तो इसके हिसाब से टोटल प्राइस आ गया। दूसरा यहाँ पे कर देते हैं मॉनिटर, तो ये मॉनिटर हो गया। अक्सर यही एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ये 5000 प्राइस है और 5 मॉनिटर्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे आ गया। इसके बाद हम CPU कर लेते हैं, CPU। तो CPU की प्राइस जो है यहाँ पे 40,000 है, तो यहाँ 40,000 कर दिया और 60 CPU की बात हो रही है, तो यहाँ पे टोटल प्राइस आ गया। इसके बाद जो अगला है वो हम कर लेते हैं यहाँ पर हेडफोन, हेडफोन PHONE। तो ये हो गया हेडफोन, और हेडफोन की जो प्राइस है वो यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे 760 रुपये कर लेते हैं हेडफोन की प्राइस, और 70 हेडफोन की बात हो रही है तो यहाँ पे टोटल भी आ जाएगा। इसके बाद ईयरफोन की बात कर लेते हैं, तो ये हो गया ईयरफोन, और ईयरफोन का जो भी है वो यहाँ पे आ जाएगा प्राइस, ठीक है। जैसे मान लीजिए ईयरफोन की प्राइस है 560 रुपये, तो यहाँ पे आ गई, और 50 ईयरफोन की बात हो रही है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, इसको क्लोज करना है सेव करके। तो ये कुछ इस तरीके से हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से क्रिएट पे जाते हैं, न्यू टेबल बनाएंगे। ये न्यू टेबल पे गए और यहाँ से टेबल का नाम दे देंगे। तो टेबल का नाम इस बार हम दे देते हैं एम्प्लॉय टी, यानी एम्प्लॉय टेबल। और यहाँ पर आईडी आ रहा है, तो यहाँ पर हम एम्प्लॉय की आईडी रखेंगे। तो ये हो गया employee_id। तो एम्प्लॉय की आईडी का जो डेटा टाइप है वो यहाँ पर हम रखेंगे क्या, शॉर्ट टेक्स्ट, ठीक है। और इसे प्राइमरी की भी बनाया है, और यहाँ पर लिख देते हैं नेम employee, तो ये हो गया नेम ऑफ एम्प्लॉय। यहाँ पे नेम ऑफ एम्प्लॉय भी आएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी दे देंगे। क्या दे देंगे? प्रोडक्ट आईडी। ये हो गया product_id। तो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी आ गया है, और इसका डेटा टाइप तो हम नंबर रखेंगे, और बस यहाँ से ओके कर दीजिएगा। तो ये ओके हो जाएगा, तो अब ये कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी डालनी है, तो K001 कर देते हैं, और फिर यहाँ पे नेम ऑफ एम्प्लॉय, तो यहाँ पे लिख देते हैं सुंदर, नाम है एम्प्लॉय का, और यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी 1 है, ठीक है। फिर यहाँ पे के और 002 हो जाएगा एम्प्लॉय आईडी, और यहाँ पे गौरव एक और नाम, और इनकी एम्प्लॉय आईडी 2 हो जाएगी। इसी तरीके से K003 कर देते हैं, 003, ठीक है। और यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम है कुंदन, और यहाँ पर इनकी जो प्रोडक्ट आईडी जो ये सेल करेंगे वो 3 वाला सेल करेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और भी आप एम्प्लॉय का नाम चाहे तो इसमें दे सकते हैं। तो यहाँ पे K004 कर लेते हैं, और यहाँ पर कर देते हैं सिर,
ये हो गया। तो यहाँ पे ये नाम लिख दिया है एक और यहाँ पे जो है प्रोडक्ट आईडी 4 को सेल करेंगे, तो बस ये हो गया। अब इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं, तो ये हमारे पास दो टेबल्स हो गई हैं। जो तीसरी टेबल हमें बनानी है वो कस्टमर की टेबल है, तो यहाँ पर जाकर के टेबल पे जाकर के और व्यू पे जाकर के और यहाँ कस्टमर टी कर देते हैं। तो ये हो गया कस्टमर टी यानी कस्टमर की टेबल। अब यहाँ पर तो आएगा कस्टमर आईडी, तो यहाँ पे कर देते हैं कस्टमर अंडरस्कोर आईडी। और यहाँ पर अब डेटा टाइप कौन सा रखना है ये हमें देखना होगा, तो यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट रख लेते हैं इस बार, ठीक है। और कस्टमर आईडी को प्राइमरी की बनाया है इसमें, और नेम ऑफ कस्टमर कर देते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर CUSTOMER नेम ऑफ कस्टमर, और यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट ही रखेंगे। और फिर यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी भी कर देते हैं, तो ये हो गया प्रोडक्ट आईडी, ये हो गया, ठीक ना। और इसके बाद क्या करना है कि यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी का डेटा टाइप डिसाइड करना है। तो वहां पे डेटा टाइप हमारा ऑटो नंबर था, तो यहाँ पे हम नंबर ही रखने वाले हैं, ठीक है। और ये करके यहाँ से ओके करके और यहाँ से यस कर दीजिएगा, तो अब यहाँ पर कस्टमर की आईडी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कस्टमर की आईडी 00001 कर देते हैं, और यहाँ पे नेम ऑफ कस्टमर है युवराज, ठीक है। इसी तरीके से प्रोडक्ट आईडी ये 1 खरीदेंगे, इसी तरीके से 00002। अब ये जो कस्टमर है ये जो है हिना है, और ये प्रोडक्ट आईडी 2 खरीदेंगे। इसी तरीके से और भी आगे होता चला जाएगा। तो यहाँ पे ये सीक्वेंस ये ध्यान दीजिएगा, ये सेम ही रखना है हमें। 003 कर देते हैं, और यहाँ पे राजवीर कर देते हैं, राजवीर। तो ये हो गया। और यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी 3 की बात करेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से तीन टेबल्स बन गई हमारे पास, ठीक है। अब इन तीनों टेबल के लाभ लेने की बारी है कि हम इन तीनों टेबल्स का लाभ कैसे उठा सकते हैं, एडवांटेजेस क्या है। तो यहाँ से जाके हमें सीधा जाना है रिलेशनशिप पर, और यहाँ पे तीनों टेबल्स आपको नजर आएंगी। तो पहली टेबल हमारी प्रोडक्ट की थी, ले लेते हैं। दूसरी टेबल एम्प्लॉय की है। जरा देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है। प्रोडक्ट आईडी कॉमन है, तो प्रोडक्ट आईडी को उठाइए और यहाँ पे लाके रख दीजिए, और इन तीनों पर ही आपको कर देना है टिक, ताकि वन टू मेनी रिलेशनशिप बिल्ड हो जाए। तो ये बन गया वन टू मेनी रिलेशनशिप। इसके बाद यहाँ पर कस्टमर की बात आएगी, तो कस्टमर वाला टेबल भी लेके आएंगे। इस वाले टेबल के लिए हमें एक काम करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी हमें नहीं चाहिए, ठीक है, या फिर इसको छोड़ भी सकते हैं। और यहाँ पर आकर के हमें एक काम ये करना है कि इस वाले टेबल में हमें एक फील्ड और लेना है। कौन सा फील्ड लेना है उसको देखना होगा। ये हमें कस्टमर वाले टेबल में जो है एक फील्ड और लेना है। एम्प्लॉय वाले टेबल से हमें चाहिए, तो यहाँ पर जो है हम इस कस्टमर वाले टेबल के अंदर यहाँ पर एक एम्प्लॉई EMPLOYEE आईडी कर देते हैं, और इसका जो डेटा टाइप है वो सेम रहेगा जो यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर डेटा टाइप क्या है, शॉर्ट टेक्स्ट है, तो हमको भी यहाँ पर कस्टमर वाले टेबल में भी शॉर्ट टेक्स्ट ही रखना है। तो ये शॉर्ट टेक्स्ट रख के ओके कर दीजिए, और यहाँ पर अब वही एम्प्लॉई आईडी पड़ेगा जो कि एम्प्लॉई टेबल में है। तो यहाँ पर देख सकते हैं KK001 है, तो इसी सीक्वेंस को हमें यहाँ भी चलाना होगा, KK001। तो ये KK001 हो गया, फिर यहाँ पर आते हैं KK002 हो गया, फिर यहाँ पे KK003 हो गया, इसी तरीके से चलता चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसको यस कर देते हैं, और यहाँ पर जाके इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर ये आ गया है एम्प्लॉई आईडी, ठीक है। तो आप चाहे तो इस एम्प्लॉई आईडी को उठा करके इसके सामने रख सकते हैं, और इन तीनों पर टिक करके और ओके कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन तीनों में रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगी। अब ये जब रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगी तो हमारा काम बड़ा आसान हो जाएगा। जब हम पहले वाले टेबल को देखेंगे, डबल क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर रहते हुए ही हम प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे, तो हमें एम्प्लॉई की पूरी डिटेल नजर आ जाएगी। कीबोर्ड सेल कर रहे हैं ये, 200 रुपये का है, 50 क्वांटिटी है, कुल मिला के प्राइस कितनी है ये भी दिख रहा है। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो इसके साथ ही कस्टमर आईडी और नेम ऑफ कस्टमर भी शो होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेम ऑफ कस्टमर और कस्टमर आईडी भी शो हो रहा है, यानी एक साथ ये सारी चीजें आपको नजर आएंगी। और ये फायदा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, ठीक है। तो देखा आपने कितने आसानी के साथ ये काम हो सकता है। अब इसके लिए आप फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं, तो यहाँ से क्रिएट पे जाइए, और बाकी आप यहाँ पर सीधा ब्लैंक फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ब्लैंक फॉर्म पे जाइए और ये सारे टेबल्स को उठाइए, और यहाँ पे पहले टेबल हमारी प्रोडक्ट वाली थी, तो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी लेके आइए। जो भी चीजें लेके आएंगे तो यहाँ पहले तो आप डिजाइन व्यू पे इसे ले लीजिएगा, और यहाँ से इसे छोटा बड़ा जो भी करना हो उसको करके, और तब जो है इसमें चीजों को ऐड करवाइएगा। तो ये दूसरा हो गया आपका, यहाँ से पकड़ेंगे इसको नेम ऑफ प्रोडक्ट को और यहाँ पे लाके रख देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ से जो है
इसको इस तरीके से कर देंगे, और फिर जो है प्राइस की बात करेंगे तो ये प्राइस हो जाएगा, और प्राइस जो है यहाँ पर रखेंगे इस तरीके से इसको, और इसके बाद क्वांटिटी लेके आएंगे, तो ये क्वांटिटी हो गया, फिर एट लास्ट टोटल प्राइस, तो यहाँ पे टोटल प्राइस भी आपको नजर आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर हमें एम्प्लॉय वाले टेबल से एम्प्लॉय आईडी और नेम ऑफ एम्प्लॉय चाहिए। ठीक है, तो आप एम्प्लॉय आईडी को इधर कहीं साइड में ले आके रख सकते हैं, ताकि आपको क्लियरली दोनों व्यूज आसानी से दिखे कि एम्प्लॉय आईडी क्या थी इनकी और ये क्या था। ठीक है, तो ये एम्प्लॉय आईडी हो गया, और एम्प्लॉय आईडी देने के बाद एम्प्लॉय का नेम आएगा, तो वो ये एम्प्लॉय का नेम भी दे दिया हमने और एम्प्लॉय की आईडी भी दे दी। सब कुछ देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ से जाके तो छोटा बड़ा आप चाहे तो कर सकते हैं और इस तरीके से, और इसके बाद यहाँ पर क्लिक करके और फिर इसको इस तरीके से आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपके बात समझ में आ रही होगी कि ये कैसे कैसे आपको करना है। और देखिए यहाँ पे कस्टमर पे क्लिक करिए, डबल क्लिक, और यहाँ पर आएगा कस्टमर आईडी, तो कस्टमर आईडी को भी चाहे तो आप इस साइड लेके आ सकते हैं, लेकिन चलिए इसके नीचे ही लेके आते हैं। ये हो गया कस्टमर आईडी। ठीक है, अब ये कस्टमर वाले टेबल से आ रहा है और नेम ऑफ कस्टमर आएगा, तो ये भी आ गया, तो अब सारी चीजें एक साथ आ गई। अब क्या करना है, अब इस पर क्लिक करके इसको थोड़ा सा जो है एडजस्ट कर लीजिएगा इस तरीके से, जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, और ये करने के बाद यहाँ पर इन सबको एक साथ सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करके इसे बोल्ड बना लेना है, और यहाँ से इसे डार्क बना लेना है, ताकि ये कायदे से दिखाई पड़े। ठीक है, और एक काम हमें करना है, फॉर्म डिजाइन पे जाके और प्रॉपर्टी शीट पे जाके और यहाँ पे फॉर्म को चूज करना है। देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी, लेकिन आपको फॉर्म पे चूज करके और पॉपअप को यस करना है। ठीक है, इतना काम आपको कर लेना है, यहाँ से इसको थोड़ा सा छोटा रखना है, तो ये छोटा कर दिया हमने। बाकी अब हमें बैकग्राउंड चेंज करना है, तो बैकग्राउंड कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पे जा करके और फिर इस तरीके से जा करके और यहाँ पे बैकग्राउंड हम चेंज कर लेते हैं, तो ये बैकग्राउंड हमारा चेंज हो जाएगा। और बैकग्राउंड चेंज होने के बाद जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि एक साथ सभी चीजों की डिटेल आपको नजर आएगी। ठीक है, आप इस पे बटन भी लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इस पे बटन नहीं लगा रहे। प्रोडक्ट एंड कस्टमर फॉर्म एफ कर देते हैं, प्रोडक्ट एंड कस्टमर एफ, तो ये प्रोडक्ट एंड कस्टमर एफ के नाम से ये फॉर्म सेव हो गया है। ठीक है, अब जबकि हम रिपोर्ट डिजाइन करेंगे तो रिपोर्ट में भी थोड़ा सा हमें ये करना होगा, तो यहाँ से रिपोर्ट विजिट से जाएंगे, विजिट से जब जाएंगे तो यहाँ पर ये आपको तीनों टेबल दिखाई देंगी। तो पहले तो प्रोडक्ट वाली टेबल से हम प्रोडक्ट आईडी, नेम ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस, क्वांटिटी और टोटल ले लेंगे, फिर दूसरे टेबल पे आएंगे तो दूसरी टेबल हमारी इंप्लॉय वाली है, जिसमें इंप्लॉय आईडी और इंप्लॉय नेम ले लेंगे, फिर तीसरी टेबल हमारी कस्टमर वाली है, जिसमें हम कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम ले लेंगे। बस यहाँ से आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर हम प्रोडक्ट आईडी के ही बेस पे अगर सर्च वगैरह करना होगा तो करेंगे, और इसे आउटलाइन या जो भी हो रख करके, और फिर यहाँ पर प्रोडक्ट, अब क्योंकि रिपोर्ट है तो रिपोर्ट को आर से मैं सिंबलाइज कर देता हूँ, और यहाँ पर जाकर के मॉडिफाई पे क्लिक कर देंगे, तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके की डिटेल आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये पूरा का पूरा इस तरीके से शो होता है, लेकिन हमारा जो ये है वो ये है कि हम इस तरीके का रिपोर्ट डिजाइन नहीं करेंगे, पहले इसके लिए हम क्वेरी बनाएंगे। तो क्वेरी कैसे बनाएंगे, तो क्रिएट पे जाएंगे और देन यहाँ से जाएंगे क्वेरी विजार्ड पर, और सिंपल क्वेरी विजार्ड रखेंगे, और अब यहाँ से हम जाएंगे, तो पहले तो प्रोडक्ट वाले टेबल से क्या क्या चाहिए, तो ये सारी ही चीजें चाहिए प्रोडक्ट वाले टेबल से, फिर यहाँ पे एम्प्लॉय वाले टेबल से क्या चाहिए, तो ये दोनों चीजें चाहिए, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय का नेम, और कस्टमर वाले टेबल से तो हमें दो ही चीजें चाहिए, कस्टमर आईडी और कस्टमर का नेम। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, और ये प्रोडक्ट क्वेरी है तो क्वेरी के ही नाम से इसे सेव कर देते हैं, और यहाँ पर जैसे ही आते हैं ना, तो यहाँ पर आप हमें फॉर्म्स के अंदर सर्च करना है, तो फॉर्म्स हमने ऑलरेडी बनाया है, और कौन सा फॉर्म है हमारा, प्रोडक्ट है एंड कस्टमर एफ के नाम से है, तो ये ले लेते हैं, और इसमें हम जो है कस्टमर आईडी के बेस पे सर्च करेंगे, प्रोडक्ट आईडी के बेस पे सर्च करेंगे, या एम्प्लॉय आईडी के बेस पे सर्च करेंगे, ये हमें देखना है। तो जैसे मान लीजिए अगर हम प्रोडक्ट आईडी के बेस पे सर्च करना चाहते हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी दे दिया और तब इसको सेव कर लिया, तो ये हमारा काम हो गया। अब इसको यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, और क्लोज करके तब हम जाएंगे क्रिएट पर, और देन यहाँ से रिपोर्ट विजार्ड पे जाएंगे, और अब इन सारे फील्ड्स को ले लेंगे, क्योंकि इन सब की जरूरत तो हमें है ही है, लेकिन एक दिक्कत और है हमारे साथ, हमने जो क्वेरी बनाया है हमें उसके थ्रू जाना है, तो ये क्वेरी हमारी, ये सारे फील्ड्स इसमें ले लीजिए, नेक्स्ट करिए नेक्स्ट करिए, और प्रोडक्ट आईडी को हम यहाँ वरीयता देंगे, प्राथमिकता देंगे, और फिर यहाँ से नेक्स्ट करके और इसे आउटलाइन या लैंडस्केप कैसा रखना है ये देख करके, तो
और यहाँ पे ये रिपोर्ट डिजाइन कर लेंगे, इसे आर से सिंबल सिंबलाइज कर देता हूँ मैं और यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो ये काम हो गया है, देख सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर पूछेगा हमसे कि कौन सी प्रोडक्ट आईडी की बात हो रही है, ठीक है। जब भी हम क्लिक करेंगे तो ऐसा पूछेगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी कहाँ से स्टार्ट है, प्रोडक्ट आईडी 1 से स्टार्ट है। तो जो भी प्रोडक्ट आईडी देंगे उसी का रिपोर्ट आपको शो होगा। तो यहाँ 1 दे दिया तो देखिए खाली 1 का रिपोर्ट आपको शो हो रहा है, देख रहे हैं। यहाँ पर केवल और केवल 1 का रिपोर्ट आपको शो होता हुआ नजर आ रहा है। प्रोडक्ट आईडी 1 है, जिसके प्रोडक्ट का नाम है कीबोर्ड, जिसकी प्राइस है 200, क्वांटिटी है 50, टोटल प्राइस है देख ही सकते हैं। इसके बाद उस कस्टमर का क्या नाम है वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। नेम ऑफ कस्टमर युवराज है, जिसकी कस्टमर आईडी 1 है, और तमाम चीजें यहाँ पे शो होंगी। जैसे मान लीजिए आप किसी और का देखना चाहते हो तो यहाँ पर रिपोर्ट पे डबल क्लिक कीजिएगा और यहाँ जैसे ही 2 प्रेस कीजिएगा तो 2 वाले का रिपोर्ट दिखाई देगा। अब आपको देखिए सारी चीजें चेंज आपको मिलेंगी। इसमें सेटिंग कुछ और भी कर सकते हैं आप, जबकि आप रिपोर्ट डिजाइन कर रहे हैं तो इसे प्रोडक्ट आर जो लिखा है इसको हटा दीजिएगा और इसको थोड़ा ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर दीजिए और कंट्रोल ए कर लीजिए। कंट्रोल ए करके फिर यहाँ से होम टैब पे जाइए, फिर इसको जो है ब्लैक बनाइए और इसे बोल्ड रखिए, और यहाँ से इनको चेंज करना है, यानी कि हमें बैकग्राउंड को चेंज करना है। तो बैकग्राउंड हम कौन सा रख लेते हैं, तो इस बार बैकग्राउंड थोड़ा सा ग्रीन वाला रखते हैं। यहाँ पर भी सेम रहेगा, जैसे वहाँ पे था वैसे यहाँ पर भी रहेगा। तो यहाँ पे क्लिक कर दिया, इस तरीके से आ गया। इसी तरीके से कस्टमर वाले पर भी हम यही अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर भी यही अप्लाई हो गया। अब जब जाएंगे यहाँ पे 3 करेंगे तो 3 वाला पूरा हिसाब किताब से होगा। देखिए यहाँ पर एकदम जैसा मैंने कहा था बिल्कुल वैसे ही आपका रिपोर्ट डिजाइन होता वो नजर आ रहा है। और जब आप इसे प्रिंट करेंगे ना तो प्रिंट भी कर पाएंगे, क्या दिक्कत है, यहाँ से तो प्रिंट भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये प्रिंट वाला बटन दिया है और यहाँ पे क्विक प्रिंट दिया है और प्रिंट प्रीव्यू दिया है। तो यहाँ से देखिए ये आपका प्रीव्यू है, ये इस तरीके से नजर आएगा आपका। जब रिपोर्ट जब आप इस रिपोर्ट को प्रिंट करेंगे तो ये इसी तरीके का नजर आएगा, ठीक है। तो सारी चीजें एक साथ इस पे आपको शो होंगी। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी बात आपको समझ में आई होगी। आप इसको पीडीएफ बना के प्रिंट करना चाहें तो पीडीएफ बना के निकाल लीजिए, चाहे जैसे हो आप इसको कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।